নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সহ রাজ্যবাসীর আশু জরুরি নয় দফা দাবি পূরণের লক্ষ্যে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সুবিশাল মিছিলের আয়োজন। নারীদের সম অধিকারের জন্য রাজ্যে বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছে, তাতে অনেকটা সাফল্য এসেছে। মঙ্গলবার নারীদের কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সহ রাজ্যবাসীর আশু জরুরি নয় দফার দাবি পূরণের লক্ষ্যে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাজধানী আগরতলা রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে এক সুবিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা মরিয়ম ধাওয়ালের সহ গণতান্ত্রিক নারী সমিতির আরো অন্যান্য কর্মকর্তারা। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से अगरतला में त्रिपुरा स्टेट की रैली हम करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर औरतों के सवाल के ऊपर संघर्ष कर रही है। ये दोनों सरकारें, आपकी स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ही पार्टी उसको चला रही है। ये बीजेपी आरएसएस की जो गवर्नमेंट है, लोगों के आम सवाल जो है उसको सुलझाने के बजाय और बिगाड़ रही है। आप जानते हो, महंगाई इतनी आसमान छूने लगी है, गैस सिलेंडर का दाम 1200 तक पहुंच गया है, हाथों को काम नहीं मिल रहा है और मनरेगा के बजट में ये सरकार ने कटौती करी है, उसकी वजह से बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है और भूखमरी और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण भी बढ़ गया है देश के अंदर। और ये यूनाइटेड नेशंस का भी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कह रहा है। और ये सच्चाई छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनीमिया के आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर से काट दिया और बोला ये अभी आंकड़े यहाँ पे नहीं आएंगे। मतलब सच्चाई को छुपाने के लिए आंकड़े देना ही बंद कर देना। महिलाओं के ऊपर हिंसा आए दिन बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा के अंदर भी देखिए आप, बलात्कार के इंसिडेंट, मारझोड़ के इंसिडेंट, किडनैपिंग के जो केसेस हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार, लगातार जो गुनहगार है उनको सुरक्षा दे रही है। दिल्ली में भी वही हो रहा है, त्रिपुरा में भी वही हो रहा है। दिल्ली में आप देखिए, कुश्ती खिलाड़ियों के कार्रवाई के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को, संदीप सिंह को, ये दोनों को बीजेपी के लीडर है, एमपी है, एमएलए है, कार्रवाई नहीं हुआ। हाथरस के केस में यूपी के चीफ मिनिस्टर खुद उतरे वो गुनहगारों को बचाने के लिए, जिन्होंने दलित लड़की के ऊपर गैंगरेप किया हुआ था। आप कहीं पे भी जाइए, यही देखने को मिलता है। मणिपुर के अंदर हमारा एडवा का डेलीगेशन गया था, मणिपुर की ये हालात, मणिपुर में 5000 से ज्यादा गांव जल गए हैं, औरतों के ऊपर हिंसा हुई है, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी की बीरेन सिंह की सरकार है। ये कोई भी पहलकदमी नहीं कर रही है और गुनहगारों को बचा रही है। आज तक मणिपुर में कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। लोग 55-60 हजार से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं। रिलीफ कैंप में कोई भी खाने पीने का इंतजाम नहीं, रहने का इंतजाम नहीं। वहां पे बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको कोई स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिल रही हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये जो पूरा माहौल है देश के अंदर, एक तानाशाही का माहौल वो बनाना चाह रहे हैं, सब जगह पे जात और धर्म का इस्तेमाल करके लोगों का बंटवारा की राजनीति, नफरत के आधार पर वो चलाना चाह रहे हैं इस देश को, हमारे संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। ये हम कतई मान्य नहीं है। इसलिए जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। अभी 17 तारीख को दिल्ली में हमारी बहुत बड़ी परिषद हुई। हम अक्टूबर के महीने में दिल्ली के रस्तों पर बहुत बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं, ये कहने के लिए कि बीजेपी आरएसएस हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। ये जरूरी है आज, तभी ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यों पे चलने वाला भारत बच पाएगा। नहीं तो ये आरएसएस ने आजादी के समय भी ब्रिटिश का साथ दिया था, आजादी के समय इस देश के साथ में गद्दारी करी और आज भी वो गद्दी पे बैठ के गरीब लोगों का खून चूसने का पूरा षड्यंत्र बनाई है। हमें बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस 18।